क्या आप भी बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप भी डेली का 1,000, 2,000 या 3,000 या उससे भी ज़्यादा कमाना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। बिजनेस करेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सिर्फ सोचने से नहीं होता है दोस्तों, कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। आप सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, आप करोगे तभी आगे बढ़ोगे। आज हम जिस बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं वो बिजनेस सदाबहार बिजनेस है। आप कहीं भी कर सकते हैं, ट्रेंडिंग बिजनेस है, बहुत चलता है बिज़नेस। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो फूड कंपनियां हैं, वो अपने मेन्यू में इस प्रोडक्ट को शामिल कर रहे हैं। बहुत टेस्टी फूड है, बहुत अच्छा लगता है। और मेहनत भाइयों कुछ नहीं है, आप इस काम को 2,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 3,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 20,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए करते हैं बिज़नेस की बात। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल बिज़नेस इंडिया पर। हम बिज़नेस आइडिया आज हम बात करने वाले हैं, उस बिज़नेस का नाम है स्प्रिंग पोटैटो। जी हाँ दोस्तों, स्प्रिंग पोटैटो ये बहुत अच्छा काम है, बहुत इजी है, बहुत कम पैसे में। जी हाँ, बहुत कम पैसे में आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं और इस बिज़नेस को कोई भी कर सकता है, गरीब हो या अमीर। और एक बात है दोस्तों, आप इसे फुल टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हमेशा की तरह इस बिज़नेस को कैसे करेंगे, इसको 5 भागों में बांटेंगे हम। पहला, इस बिज़नेस को कैसे करें। दूसरा, इस बिज़नेस में लगने वाले इक्विपमेंट सामान क्या क्या लगेंगे। और तीसरा, इस बिज़नेस कितने रुपये से स्टार्ट हो जाएगा यह बिज़नेस। और चौथा, प्रॉफिट मार्जिन एंड लॉस, फ़ायदा और नुकसान। और पांचवा, सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, लोकेशन। जी हाँ, लोकेशन, लोकेशन ही है जो आपके हर बिज़नेस को, कोई भी बिज़नेस हो, ज़मीन से आसमान पर ले जा सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ये बिज़नेस को कैसे करें। इस बिज़नेस को करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा दोस्तों, आपको कुछ करना नहीं है। बस आपको आलू छीलना है, वॉश करना है, डीप फ्राई करना है एंड सेल कर देना है, और कुछ नहीं है। एक काम करिए, आप YouTube पे जाइए, YouTube पे जाकर सर्च करिए कि स्प्रिंग पोटैटो का रेसिपी, या स्प्रिंग पोटैटो सिर्फ आप लिख देंगे, आपके सामने बहुत सारा वीडियो आ जाएगा। अब उसको देखें, 2-3 दिन एक्सपीरियंस लगेगा आपको, सीखने में लगेगा। 2-3 दिन सीख लीजिए, उसके बाद से आपको बिज़नेस करना ईजी हो जाएगा। और तरह का होता है दोस्तों, सॉल्टेड भी होता है, मसालेदार भी होता है, तंदूरी भी होता है, वो आपके ऊपर, आप किस तरह से सर्व करना चाहते हैं कस्टमर को। इसमें लगने वाले कॉर्नफ्लावर आपको लगेंगे, आपको मसाला लगेंगे, आपको बहुत सारे चीज़ लगेंगे, नमक लगेंगे और मिर्ची लगेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगने वाला। कढ़ाई लगेंगे, ऑयल लगेंगे, गैस लगेंगे, बस। अगर आप इसको बहुत कम में स्टार्ट करने वाले हैं, मैं आपको आगे बताऊँगा, बस आप वीडियो को स्किप ना करें, आप आगे तक देखते रहें, मैं आपको स्टेप बाई स्टेप सब बताऊँगा। अगर आप एक टेबल पे ही करेंगे तो आपको कुछ नहीं चाहिए, एक कढ़ाई रखने के लिए चूल्हा चाहिए, एक छोटा सा गैस चाहिए, बस आपको एक मशीन चाहिए। उस मशीन की कीमत आपको 700 से 800 स्टार्ट हो जाता है, इस मशीन की कीमत जो आपको 2,000-2,500 तक जाता है। अगर आप इलेक्ट्रिक वाला लेंगे, ऑटोमेटिक वाला लेंगे, तो आपको 5,000-6,000 पड़ जाएगा। लेकिन मैं तो कहूँगा दोस्तों, आपको स्टार्टिंग में मैनुअल से ही स्टार्ट करना चाहिए। और स्टिक बम्बू लगेंगे और कुछ मसाले लगेंगे, बस। आपको टिश्यू पेपर लगेंगे, कढ़ाई लगेंगे, गैस लगेंगे, कुछ मसाले लगेंगे, कुछ नहीं लगने वाला है दोस्तों इसमें। अब इसमें फ़ायदे की बात करते हैं, तो एक आलू अभी मैं मार्केट में कम से कम 20 रुपये किलो आपको मिल जाता है। मीडियम साइज़ की आलू 20 पीस चढ़ता है एक किलो में, तो आप उसी हिसाब से पता लगा लीजिए कि आपको एक आलू बनाने में, फ्राई करने में, मसाला डालने में, जो भी है, सब खर्चा छाँट के 5 से 6 रुपया में हो जाएगा दोस्तों। और उसको सेल कितने में करेंगे, सिंपल जो सॉल्टेड होता है, जिसमें नमक और हल्का सा चाट मसाला डालकर जो दिया जाता है, वो 20 रुपये का मिलता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 20 रुपये का। आपकी लागत कितनी लगी, 6 रुपये भी आप पकड़ के चलिए, तो आपका 14 रुपये का प्रॉफिट हुआ एक स्प्रिंग पोटैटो पीस में। अब उसको अगर हम 100 रुपये से गुना करेंगे तो आपका होता है दोस्तों 1400 रुपये। जी हाँ, 1400 रुपीज़ आपका होता है दोस्तों डेली का, अगर आपका लोकेशन अच्छा रहा तो। अगर आप कम से कम 50 पीस भी बेच देते हैं तो दोस्तों, तो आपका 700 रुपये बनता है, 700 से 800 आप कमा लेंगे। बाहर रहने से अच्छा है दोस्तों, आप घर पे ही कुछ कर सकते हैं। अगर आप फ्लेवर वाला देंगे, तंदूरी मसाला में डिप करके अगर आप उसको फ्राई करेंगे, आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा, बहुत सारे रेसिपी है, तो वो 40 से 50 रुपये में बेचा जाता है दोस्तों। आप सोच लीजिए इसमें फ़ायदा कितना, 60-70-80% तक फ़ायदा है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे इस बिज़नेस को कैसे करना है। अब इसका लोकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप गाँव में रहते हैं तो आपको आप मार्केट देखना पड़ेगा, आपके स्कूल के बगल में या कोई हाई स्कूल हो वहाँ पे, या आपके चौराहे पर बाज़ार जहाँ मंडी लगती है वहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर आप सिटी, छोटा मोटा सिटी या बड़ी सिटी में करना चाहते हैं, तो आपको शॉपिंग मॉल के पास, मार्ट के पास, आपको पार्क के पास, थिएटर सिनेमा के पास, मॉल के पास, और आपको बहुत सारे जगह है, मार्केट के पास, बस स्टैंड के पास, आप वहाँ पर खोल सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं।
आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अगर इस बिज़नेस के बारे में और भी डीपली आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।